हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काजू कतली की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम घर पे बनाएंगे बहुत इजी तरीके से, वो भी बिना गैस जलाए। इसके लिए मैंने काजू यूज़ किया है 250 ग्राम और मैंने स्प्लिट काजू यूज़ किया है। इसमें से आप खराब काजू जो है उसे आप निकाल दें। उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्रेंड्स इसे हम लगातार नहीं चलाएंगे, हम इसे पल्स दे के मिक्सर ग्राइंडर को आपको चलाना है, क्योंकि अगर आप लगातार इसे चलाते रहेंगे तो काजू गर्म हो जाएगा और इससे ऑयल सेपरेट होने लगेगा, जो हमें नहीं करना। हमें इसे बारीक पाउडर तैयार करना है। आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर छान लें और छानने के बाद जो मोटे काजू रह गया है उसे फिर से पीस लें। यहाँ अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है हाफ कप जितना और पाउडर शुगर मैंने हाफ कप जितना यूज़ किया है। मैंने चीनी को ही पीस कर उसका पाउडर बना करके उसे यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून जितना घी डाला है और 1 टीस्पून जितना गुलाब जल डाला है। और अब हम दूध की मदद से थोड़ा थोड़ा यूज करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो शुरुआत में मैंने 2 टेबल स्पून जितना इसमें दूध डाला है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, जरूरत होगा तो ही हम दूध यूज करेंगे। एक ही बार में ज्यादा ना डालें, नहीं तो ये गीला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा डाल के उसे मसल मसल के आप डो तैयार करें। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून और मैंने दूध ऐड कर दिया। टोटल मैंने 3 टेबल स्पून जितना इसमें दूध ऐड किया है और आप देख सकते हैं कि 3 टेबल स्पून दूध से ही हमारा डो बनके तैयार हो गया है। तो हम बाकी के दूध को साइड कर देंगे और इसका हम अब डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हो गया है। तो अब इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना घी और ऊपर से ऐड करेंगे। अब इन घी से बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा हो गया है डो तैयार। तो चलिए अब हम इसकी कटली बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बटर पेपर यूज़ किया है। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं। इसका तरीका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो उसे मैंने ऑयल से पहले ग्रीसिंग कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम डो को इसमें रख देंगे और इसके ऑयल से ग्रीसिंग ऊपर से भी कर लेंगे। मैंने यहाँ घी का यूज किया है और उसके ऊपर हम दूसरा बटर पेपर रख देंगे। और अब हम फ्रेंड्स इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स आपको जितना मोटा पतला रखना है उस हिसाब से आपको इसे बेलना है और आपको प्रेशर चारों तरफ डालना है, सिर्फ एक तरफ ना डालें, चारों तरफ इसे एक जैसा ही बेलें। और मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है, तो ऊपर का बटर पेपर हम निकाल देंगे और मैं यहाँ चांदी का वर्क यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसे कट करेंगे, बर्फी का शेप देना है हमें। अब हम थोड़ा इसे तिरछा करके भी कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कट करने से इसने बर्फी का शेप ले लिया है। इसी तरीके से सारे कट कर लें। और अब छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हम अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी काजू की कतली बनके तैयार हो गया। बहुत इजी तरीका था। तो अगर आप ट्राई करने का सोच रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो आज ही ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें ताकि इस तरीके से नई इजी रेसिपी लाते रहे। धन्यवाद।